नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। यूपी के बलिया में समाज में हाशिए पर रहने वाले, अपनी जन्म से लेकर मरण तक समाज का दंश झेलने वाले किन्नरों के सामने भी लॉकडाउन में कमाई पर संकट आ पड़ी है। कारण है कि शादी ब्याह में नाच गाकर और लोगों के दरवाजे पर बधाई गीत गाकर अपना जीवन यापन करने वाले किन्नरों के सामने लॉकडाउन में संपन्न होने की वजह से इन पर भी भुखमरी की मार पड़ी है। जिला प्रशासन ने स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से इन किन्नरों को राहत सामग्री देकर इनकी मदद कर रही है, जिसके बाद इन किन्नरों ने इन लोगों का शुक्रिया किया। किन्नर समाज ज्यादातर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाकर बधाइयां करते हैं, जहां उनकी कमाई होती है। वहीं लॉकडाउन की वजह से किन्नर समाज का बधाई कार्यक्रम भी बंद है, जिसके कारण किन्नर समाज की आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है, जहां हजारों किन्नर भुखमरी से गुजर रहे हैं। इसी कड़ी में रेड क्रॉस संस्था ने श्री मुरली मनोहर टाउन डिग्री कॉलेज के प्रांगण में किन्नर समाज को राहत सामग्री बांटी, जिसे सदर एसडीएम अश्विनी कुमार ने अपने हाथों से दिया। वहीं किन्नर समाज ने इस कार्य से प्रसन्नता जाहिर करते हुए लोगों को घरों में रहकर कोरोना से लड़ने का संदेश दिया। मेरा नाम है अनुष्का चौबे किन्नर, मैं बलिया से बिलोंग करती हूँ। और रेड क्रॉस सोसाइटी ने आज हम लोग को बहुत इज्जत दिया और हम लोग का जो सामान दिया है उसके लिए मैं किन्नर समाज की तरफ से आभारी हूँ। और मैं आभारी हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी के, जो हम लोग के तरफ से करोना के जो विपत्त सारी देश में छाए हुए हैं उनके तरफ से लॉकडाउन करके और विभिन्न व्यवस्था के साथ उलझ रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। और नरेंद्र मोदी जी के हम लोग के सौभाग्य है कि हम लोग के नरेंद्र मोदी जैसे नेताजी मिले हैं। वो लोग आगे बढ़िए, हम लोग के ऊपर भी ध्यान दीजिए। हम लोग के देश में हॉस्पिटल, अच्छी हॉस्पिटल और अच्छी शिक्षा के बहुत जरूरी है। इस बारे में उनके निवेदन करूंगी, किन्नर समाज के भी ध्यान दे और अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा शिक्षा की व्यवस्था। आप लोग किस किन्नर समाज से जुड़े हुए हैं? ज्यादातर आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो इस लॉकडाउन में जो तीसरा चरण चल रहा है इसमें किस तरह की समस्याएं आप लोग को झेलनी पड़ रही हैं? हम लोग के अभी तो जैसे प्रोग्राम होता है, हम लोग बधाई करते हैं, ना बधाई ना कमाई है। और दूसरी बात है कि हम लोग के सब जगह से तो कमाई बंद ही है, क्योंकि प्रोग्राम वगैरह भी होता है, शादी में बच्चे में सब बंद है। तो इस समय हम लोग थोड़ा परेशानी में है और रेड क्रॉस सोसाइटी आगे बढ़ा है, हम लोग का मदद किए, इसलिए उनपे बहुत आभार। प्रदेश सरकार योगी जी की तरफ से आप लोगों को कोई नहीं, अभी सरकारी तरफ से कोई मदद हम लोग को नहीं मिला है। मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि हम लोग के मदद करें आगे। इस लॉकडाउन में कितनी परेशानी आप लोगों ने झेला? बहुत परेशानी झेले, किसी के घर में अनाज नहीं है, किसी के घर में ठीक से खाना नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। देशवासियों की ये निवेदन करेंगे, सब घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और मैं भी देश में रहूंगी, कितना भी कष्ट होगा मैं घर में रहूंगी और सुरक्षित रहूंगी। राशन कार्ड है बलिया में? राशन कार्ड हम लोग का नहीं बनता है, बहुत लड़ाई करने के बाद आधार कार्ड बनता है। राशन कार्ड 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से सब ऑनलाइन पर आए, ना राशन कार्ड है ना लैट्रिन। किन्नर के लिए लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं हैं। पुरुष में जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं नहीं, महिला में जाते हैं वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ना यहाँ लैट्रिन बाथरूम की सुविधाएं हैं, ना यहाँ पे कोई बस में सीट है, ना कोई ट्रेन में सीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो किन्नर कितने समाज होंगे बलिया में आपके? फिलहाल इस टाइम प्रेजेंट है 2000, लेकिन जब प्रोग्राम खुलता है तो कम से कम 50-55 हज़ार किन्नर समाज बलिया में जुट जाते हैं। अभी 2000 के करीब है बलिया? हाँ, 2000 में 2000 है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी का स्थापना दिवस भी है, इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। जो हमारे किन्नर समाज है उनको आज इन्होंने राशन सामग्री वितरण किया है और उनकी भी सुध ली है, एक अच्छी बात है। तो कितने किन्नरों को वितरण किया गया? 52 किन्नरों को इन्होंने वितरण किया है और डिस्टेंस बनाकर इन्होंने प्रतीक के रूप में 15 को यहाँ दिया है, बाकी को घर पहुँचाएंगे। क्या क्या दिया है उसमें? उसमें गेहूँ चावल, आटा चावल और दाल और तेल, ये सारी सामग्री दी।